ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते गुरुदेवाय, ओम नमो भगवते शिशुअनंताय। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मारामाय संताय कैवल्यपतये नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पीबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। जय मधुसूदन जय मधुसूदन जय मधुसूदन जय 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 मधुसूदन जय मधुसूदन जय मधुसूदन जय जय श्री मधुसूदन भज मधुसूदन चिंता मधुसूदन जय जय श्री मधुसूदन भज मधुसूदन चिंता मधुसूदन जय 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 मधुसूदन जय मधुसूदन जय मधुसूदन जय 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 मधुसूदन जय मधुसूदन जय मधुसूदन जय जय श्री मधुसूदन भज मधुसूदन चिंता मधुसूदन जय जय श्री मधुसूदन भज मधुसूदन चिंता मधुसूदन जय 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 मधुसूदन जय मधुसूदन जय मधुसूदन जय 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 मधुसूदन जय मधुसूदन जय मधुसूदन जय जय श्री मधुसूदन भज मधुसूदन चिंता मधुसूदन जय जय श्री मधुसूदन भज मधुसूदन चिंता मधुसूदन जय जय श्री मधुसूदन से जनार्दन से हृषिकेश जहां रूपरे जीवेर निस्तार लागी नंद सुत हरि भुवने प्रकाश हन गुरु रूप जरी। जहांक पाई जहांक माध्यम रे ए संसार को गुरु ही आसी थांती से गुरुंकर अभय चरणार बिंदुरे ए सेवक प्रणाम निवेदन करुछि। मो गुरुदेव विश्वप्रेमी बलिया जिते बेले ए सेवक भागवत कहवा को इच्छा कला से कही गोटे कथा जी तुम बही देखिकी कह बही पढ़ी पढ़ी कह बही समस्ते पढ़ी था बही कथा समस्ते जानी था तो सही कथा को कहीदेव ताहले निश्चित भाव पंडित एक कथा कही जन पंडित हो पार कि गोटे भक्त सब अनुभवी होगा दरकार। तमे पिता माता गुरु गुरुजन एमानंकु परि प्रणाम कर सेमानंकर आशीर्वाद माध्यम तुम जो कथा कहबो से कथा ये समाज पाई एक वार्ता हो समाज परिवर्तन क्षेत्र रे जहाँ जहाँ आवश्यक सही कथा से ठाकुर ही तुमको प्रेरणा देवे। जाऊ चाहू चाहू दिन पर दिन गढ़ी चली भागवतर गोटे पर गोटे स्कंद आगू को चली ए सेवक आपण को कौन बा दे पार किंतु जहा ए सेवक पाखर अच्छी ताहा ही दौर जहा गुरुंकर कृपा रही ताहा ही मु आपण को अर्पण करुँच। तोर प्रिय सज्जन आमे आम जीवन को आमे आम जीवनर रास्ता को आमे केमिति आनंद रहिबा टिके खुशी रहिबा सेतिपय आमे समस्ते प्रचेष्टा करुचे किंतु यार अर्थ नो जे आमे खुशी रही पारिबानी। निश्चित भाव में आमे खुशी रहिबा ए खुशी केमिति रहिबा खुशी रही आगे आत्मसंतोषर आवश्यकता रही। आत्मसंतोष सेत मिल जिते बे आपण माने भगवत चर्चा करिवे। मो नाम श्रवण कीर्तने श्रद्धा उपजे जार मने। मो नामर श्रवण कीर्तन माने सुनिब एवं कीर्तन करिब श्रद्धा उपजे जार मने। जार मनरे मो नाम को सुनिबा पाई मो नाम को कीर्तन करिबा पाई जहा मनरे श्रद्धा आसिला जानिबो जे से ही गला जने कोन ना भक्त जानिबो से ही वास्तव में आत्मसंतोष पाउछ। सही कथा न होइतिले घर द्वारा छाड़ी की बुद्धदेव ध्यानस्थ ही न थांते। सही कथा नहींतिले श्रवणा जंगल रे अन चाहिकी बसी न थाने प्रभु श्री रामचंद्र को। सही कथा नहींतिले आमे समस्ते गुरुंकर अभय चरण को आमे स्मरण करू थानते आगे। तेणु भागवत कहउचंती तमे कोन करिवा उचित। यही कथा तमे चिंतन कर हे परीक्षित हे अभिमन्युसुत तुम यही कथा चिंतन कर। सुन हे अभिमन्यु बड़ा एमंत ईश्वर लीला। गोविंद 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 पदु गड़ुछे मकरंद। माया कल्पित ये संसारे मस्यादि नाना अवतारे। गोविंद 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 पद गड़ुछे मकरंद। धर्म को पाले जुगे जुगे साधु को रखे अनुरागे। गोविंद 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 पद गड़ुछे मकरंद। धर्म को पाले किए पालन कर राजा परीक्षित को गुरु सुखदेव कहते तमें जानी था जे ये धर्म पालन करने निजे भगवान सीए ए धरापृष्ठ को आसी था केतबेले गुरुंक रूप केतबेले से मत्स्य कच्छप एमती अनेक अनेक अवतार भाव से आसी था एवं आमको एक नूतन दिशा नूतन पथ देखिकी आम मन भितर से आत्मसंतोषर भावना मन आनंदर भावना भरी देवाई से सबुबले प्रचेषा करती आउ कौन करती तुम्हें जान। दृष्ट निवारी संत पाले रूप प्रकाशे जथा काले। गोविंद 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 पद गड़ुछे मकरंद। तारू पके करीबंत स्वभावे महिमा अनंत। गोविंद 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 पद गड़ुछे मकरंद। केड़े सुंदर पद ये जो पद भीतर अनंतर नाम रही से अनंत निजे स्वयं अनंत विद्यमान होती कौटी ना से जोटी जोटी निजे स्वयं भगवान आविर्भाव होती भगवान लीला आविर्भाव हुए से विद्यमान होती से कौन कहती। धर्म को पाले जुगे जुगे साधु को रखे अनुरागे। गोविंद 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 पद गड़ुछे मकरंद। दुष्ट निवारी शंख पाले रूप प्रकाशे जथा काले। गोविंद 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 पदु गड़ुछे मकरंद। एटी भगवानंगर कार्य कौन एटी भगवानंगर कार्य है दुष्ट को निवारण करिकी संथ को से पालुचंती। आमे कहवा जे भगवान कार्य है जे जे माने हाथरू सेउ बाहर करि पाला जे मनकर आपण देखिबे जे मनकर माने कहबे जे ना ना सी एमित तांग पाखर मिराकल अछि। भगवानंगर कार्य से नुह भगवान कार्य होउची जे लोक माननकु जे साधारण मनुष्य माननकु जे उत्तम पथ देखै पारिला जे साधारण मनुष्य माननकु एक बंचिबार राह देखै पारिला से हूँ वास्तव भंग भगवान दुष्ट निवारी संत पाले रूप प्रकाश यथा काले। से रूप केतेबेले को रूप को देखाती कहीं ना से रूप को न देखेले भगवान कृष्णकर लीला को आपन टिके अवलोकन करिवा। आमे समस्ते केमी आम अवलोकन करिवा आमे देखिवा जेतेबेले बंदी भितरे भगवान कृष्ण जहाँकर नाम किसी नहीं बंदी भितर से जन्म होती जन्म होगा मात्र के आपे आपे शिकुली फिटिगला जिते बेले तांकु धरिकी तांको पिता वसुदेव धरिकी जाउछंती। सेही समय रे भगवान रूप कौन थिला गोटे शिशुंकर रूप थिला माने गोटे कार्य महान आम एठी आमको सूची दिया जाउची माने भगवान कृष्ण कर माने तांकर शेष टार्गेटा कौट रही आप देखु माने महान लक्ष्यटा कौट रही ना सी गीता कहते आज आम मन रखी कौन गीता कथा एवं आउ गोटे कौन महाभारत युद्ध से महाभारत युद्ध पाखे पहुँचापी से कौ स्तर देके जाऊँगी आमको से ऊपर स्तर में यथा स्तर में पहुँचापे गोटे गोटे पहाच को आम अतिक्रांत करवाई पड़ो। राताराति कई कोटिपति हूँ कि राताराति कई बड़ मनीष हूँ बड़ मनीष हाँपाई आमको अनेक पथ अनेक दिन अतिक्रांत करवाई पड़ो किंतु आम जीवनर सफलतार गोटे दिन से सफलतार गोटे दिन निश्चित भाव में पहुँच से दिनटी आसो जो दिन टी आप खोजुंट से सफलतार दिन निश्चित भाव में आसो कितु से दिन में पहुँचापे आपण को अनेक दिन परिश्रम करने पड़ो आनेक दिन जो माने परिश्रम करेंगे आई दिनटी आसवा सुनिश्चित। तेणु भगवान से कथा बुझेवाई से कथा को आमको जनवाई देखु कौन कले ना सेठू आसिले कौटी ना गोपपुर को आसिले आसुंच जितेबले आप परोपकार करेंगे समाज हितपाई काम करेंगे से आपण जीवन में आसिक पहुँचे किए से आपण जीवन में आसिक पहुँचे आपणकर गुरु जी आपण उत्तम पथ उत्तम मान दिग्दर्शन दे पारे। तेणु ये भागवत कहते कौन कले भगवान कृष्ण ना से बाट देकी चाली चाली जे वसुदेव जाऊँगी तांको उपरे कृष्ण रहिचंती माने शिशु रहिचंती एवं सही शिशुंग उपरे अनंत नाग ढांकी योजन काल वर्षा पानी पड़ी जीव की सेठी कौन है तांको नाम हो गला शिशु अनंत। आउ सही शिशु अनंत देखंतु से समय नाम हो ना जहाँकर किसी ना से ना नामकरण करा कि गर्गाचार्य आसिक नामकरण से करना मथुरा को जाइना जमुना नदी में जाऊँगी सर्प ढांकी देती अनंत नाग ढांकी देती से शिशु अनंत। आउ शिशु अनंतर क्षेत्र हूँ जगत सिंहपुर तीर्थल अरिलो रे जो आविर्भाव होती एक विराट बड़ गादी से जगार आपण मैंने गले दर्शन करेंगे एवं भी आप दर्शन करेंगे चारि द्वार अच्छी गछ सहित लगी रही एक विराट बड़ हुंका से हुंका ठारू गछ दूरेब केमिति प्रार्थना करिवारु से दिन गछठारू मध्य हुंका दूरे आपण माने मध्य लक्ष्य करेंगे। खाली सेतिकी कथा हैनी से खाली समापन हो जाए सेतिकी हैनी आउर केते कथा कौन लीला है मु आगो को मध्य आपण मानू वर्णना करी आपण मानू आग आपण को जणैबी जी सेठी चारिटी द्वार अच्छी गोटे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण एठी पूर्व द्वार रे सिद्ध द्वार जो माने निज निजर मनर मानसिकता को सेठी गुआ बसा जाए निजर मानसिकता सेठी समर्पण करा जाए। पूर्व पश्चिम द्वार देखिए जातक काला सर्प जोग पड़े यही से काला सर्प जोग पड़े से जगह को जाती से शिशुनंद धाम को जाती परिवार क्षेत्र जो परिवार कथा कहुए से जाकि कौन करती ना काला सर्प जोग बोले काला सर्प पूजा होए आपण माने भी जदि कौन काला सर्प जोग पड़े आपण माने जीवे काला सर्प पूजा करेंगे। एवं दक्षिण द्वार रे सही अनंत नृसिंह राम जगन्नाथ कृष्ण चैतन्य सर्व समूह माने समन्वयर मूर्ति हृदय रे शिव रही नवग्रह तले रही व्यास पाद सेवा कर कितनी आनंद सुंदर एवं ता सहित उत्तर द्वार को आपड़ देखिए जो से उत्तर द्वार कौन अच्छी ना सबू तीर्थ मानकर जल रही सबू तीर्थ मानकर मूर्तिका रही से तीर्थ मान को आणिकी ये कर तीर्थर मूर्तिका को जी आनी जहाज चाकरी करते आदेश काले सी मत कहले गुरुदेव मत आदेश करते सबू देश मूर्तिका टी आई मूर्तिका आने बहुत कष्ट लुचि छपिकी देश टी मूर्तिका आने कि आज मुझे बुझीपी कहीं मत से गुरुदेव कहते सबू देश टिके मूर्तिका आणु आ जो जो देश मूर्तिका आने कथा कहते से देशर अवस्था बर्तमान कौन घटू कहीं घटू से कथा को आलोचना करते तेणु ये कथा आम आगू को आहरी विस्तृत भाव आलोचना करवा। गुरु कथा अनंत गुरु बाणी अनंत तेणुक सी होचनी शिशु अनंत तेणु प्रिय सज्जन ये भागवत कौन कहते ना तारूप के करीबंत स्वभावे महिमा अनंत गोविंद 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 पदु गडुची मकर हेमंत सुख मुखु सुनी आनंद मने नृपमणि गोविंद 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 पदु गडुची मकर बोले चरणे कर देई मुनि निस्तरिली मुहि गोविंद 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 पद गणुछि मकरंद हे से कहउचंदी बोले चरणे कर देई भोमुनि निस्तरिली मुहि हे चरण देई से कहउचंदी सी मु निस्तरीवाई ए संसार तार हाँपाई आम कौन करने पड़ो बोल जे मीन अवतार होइले जगत ईश्वर गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद निंदित जल चर रूपे देह बहिले केउ कल्पे गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद के बण कार्य कि सर्थे प्रसन्न कह मो अग्रते गोविंद 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 राजा परीक्षित आज कहउछि मकरंद राजा परीक्षित कहउछि गुरुदेव को जे मते सेही लीला गुडी को को मु प्रभुंकर लीला को सुनि कि मु कृतार्थ हेबी जीवन जो आम जीवन में आम जिते आत्मसमीक्षा करूँ से आम चिंतन करूँ क्यों कथा शुणु क्यों कार्य करूँ अनादि प्रभु नारायण मायार परम कारण गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद सुत कहती मुनि मधे अति आनंद गद गदे गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद सुत कहती मुनि मध्य सेठी सुत सोनकर मुबात चली सुत कहते सोनक एवं सहित 88,000 मुनि ऋषि माने नैमिष्य आरण्य भगवत कथामृत सेठी मध्य श्रवण चली देखूँ मुनि माने सेठी श्रवण करुँच आमे मैने गोपाल कौजे आपण मैंने श्रवण कर कथा कहार कथा हो अनंतर ए सेवक केवल कौचि से गुरुंर आशीर्वाद रे तेणु प्रिय सज्जन शुण हो अभी मनुसुत कहवा विष्णु रचरित गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद अनादि प्रभु नारायण अशेष ब्रह्मांड कारण गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद जे प्रभु जगत ईश्वर ब्रह्मांड जार खेल घर गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद सृजई पालई सहरे संसारे नाना रूप धरे गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद सृजई पालई सहरे जार जहाँ पाखे सृजना कर सामर्थ्य अच्छी जहाँ पाखे पालन कर सामर्थ्य सी आउ किए नुंती सी हूँ भगवान सी कौन करती ना धर्म स्थापने देह धरी अधर्म समूह निवारी गोविंद 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 पदु गलुछि कर्म करना धर्म स्थापने देह धरी अधर्म समूह निवारी आमे किंतु वर्तमान धर्म स्थापने देह धरी से भगवान जिते आविर्भाव होती से धर्म स्थापना पाई अधर्म को निवारण करनी किंतु आम आखिरे अधर्म घटी जाउतबो किंतु आमे किछि कहि परिबा नाही आम आखि आगे अधर्म घटुदिले आमे किछि कहि पारु ना नीरव रहि जाउची काहेकि ना आमे हे जाइछु निरुपाय जेते बेले मनुष्य निरुपाय हो जाए सेते बेले सेही प्रभु भगवान जगदीश्वर से निराकरण पाई से नारायण रूप से सी आम पाखक आसी जाती एवं से निरुपाय मनुष्य को उपाय दे दियंती से निरुपाय मनुष्य को उपायर कथा बतई दियंती। प्रिय सज्जन एबे भी आपण ए समाज देखंतु आम आगे अधर्म घटुतिले मध्य आमे नीरव रहूचु काहेकि आम भितर भय रही जाइछि। देखंतु जेतेबेले पर्यंत जो जीवन में भय रही भय थिबा मनुष्य मध्य मृत्यु सहित समान मरिबा सहित समान भय करुवा अर्थ से समय आपण मरी मरी जाउछंती। प्रिय सज्जन आमे मध्य सत्य को सामना करि पारुनी तेणु आमे कोण करिबा ताले से भगवान को आमे प्रार्थना करिबा से भगवान को आमे निवेदन करिबा एवं कहिबा हे आनंद तुमे आम भितर जाग आम भितर जागी कि आम भितर से शक्ति सामर्थ्य दियो जाग हे जाग हे जाग हे जाग हे जाग हे जाग हे अनंत तुमे जागी उठ धरा धामे जाग हे अनंत शक्ति सिखाई दिया हे प्रभु ए संसार सार कर्मे सिखाई दिया हे प्रभु ए संसार सार कर्मे जाग हे अनंत तुमे जागी उठ धरा धामे जाग हे अनंत तुमे जागी उठ धरा धामे हे अनंत शक्ति हे सकल शक्तिर आधार हे अनंत तुम्हें जाग तुम्हें मो भीतर जाग तुम्हें आम समस्त भीतर जाग आमको सत्यर आभास करने सत्यर पथ देखापी आमको सही कथा कहीदियो आम सत्य पथर केमी चलू आम सत्य पथर केमी आपण स्रोत आम केमी भासीजु ना प्रभु आम पार ये समाज एते धीरे धीरे एते विस्तृत भाव एते विशृंखला धीरे धीरे ही चलो जहाँफल आमर किसी उपाय ना आम कौन किसी करें आम पाखे से सामर्थ्य ना तेणु आम कौन करूँ। भागवत कहते अगाध जले पशिगला विधाता विष्णु तू चिंतिला गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद असाधु कूल सहारिण साधु रखे नारायण गोविंद गोविंद सुन तुझे बा अर्थे हरि इच्छारे मीना रूप धरी गोविंद गोविंद राधे राधे पदु गड़ुछि मकरंद असाधुकूल को संहार करने साधु मानकर रक्षा करने से नारायण वर्तमान मत्स्य रूप धारण करेंगे। मत्स्य रूप कहीं धारण करें हे प्रभु हे गुरुदेव मत तुम्हें टे कहीदि यही कथा कहते राजा परीक्षित कहते मुझे से प्रभुंर लीला टे श्रवण करने चाहूँगी लीला को श्रवण कर जीवन चली जाऊ ये जीवन को आपण मैंने समस्ते गोटे कथा मन रखी तांकर कथा तांकर लीला अमृत को श्रवण करके ये जीवनर गति को तांकरी पदार बिंदरे से गुरुंकर पदार बिंदरे निजको समर्पण कर दिंतु। तेणु प्रिय सज्जन आज समय क्या केतबे अपेक्षा करनी ए समय आपण को अपेक्षा करूनी कि मत अपेक्षा करूनी समय घंटी टिक टिक यही बाजुची केमिति आमको से विदा करिवो। तेणु प्रिय सज्जन आमुक सीना से विदा करदेव किंतु आम भितर भाव भक्ति प्रेम ताकू तो विदा करी पारिबोनी ना से जन्म जन्मांतर पाई जीवो। तेणु से जन्म जन्मांतर पाई जहा संग्रह करवा उचित आपण माने जानिसंती ताकू ही आपण संग्रह करंतु। एति कथा कही ए सेवक आजिर कथा को सांग करजी आसंता काली सकाळ 6 घंटे आम निश्चित भाव श्रवण करवा से मत्स्य अवतार कथा किभली भगवान मोर मत्स्य अवतार धारण करे। जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्कि राम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्कि राम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्कि राम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्कि राम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्कि राम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्कि राम।